तो हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहे हैं वी लुकअप का फॉर्मूला। लुकअप रेफरेंसेस में हमने लास्ट क्लासेस में रेफरेंसेस के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था आपके साथ, और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं लुकअप का फॉर्मूला। सबसे पहले लुकअप में हम बात करते हैं वी लुकअप की। वी लुकअप इसको फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप। देखिए लुकअप मेथड जो है काफी इंपॉर्टेंट है हर सॉफ्टवेयर के अंदर, चाहे एक्सेल हो चाहे कोई भी पर्सन हो। मतलब किसी एक यूनिक आईडी के बिहाफ पे किसी डेटाबेस से डिटेल्स को लुकअप करना, दैट को लुकअप मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा है कि डेट, एम्प्लॉय कोड, नेम वगैरह बहुत सारे डेटा है, और मुझे किसी ने इसमें काफी सारा 100 एंड 1000 डेटाबेस है, और मुझे इसमें से कुछ एम्प्लॉय कोड की डिटेल चाहिए। जैसे कि अकाउंट नंबर आपके पास है, कस्टमर डिटेल चाहिए, एम्प्लॉय कोड है तो डिटेल चाहिए, मोबाइल नंबर की डिटेल चाहिए, यूनिक आईडी जो होता है उसके बिहाफ पे डिटेल निकालना वीलुकअप के लिए, वीलुकअप, इंटलुकअप, लुकअप मेथड के जरिए होता है। तो अगर मैं लुकअप वीलुकअप का फॉर्मूला ना इस्तेमाल करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर 15 को उठा के मुझे डेटा में सर्च करना पड़ेगा, और फिर जहां डेटा आएगा फिर उसको कॉपी करके फिर यहां पे पेज करना पड़ेगा। तो ये तो मैनुअल प्रोसीजर हो गया। तो ये आप 1, 2, 3, 4 के लिए कर सकते हो, लेकिन जहां मान लो कि लाखों में से हजारों निकालने हो वहां भी दिक्कत होगी। तो उस केस में हम लोग वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। वी लुकअप फॉर्मूला लगाते समय ध्यान रखिएगा कि आपके पास यूनिक कोड होना चाहिए। डुप्लीकेसी हो कभी वी लुकअप लग जाता है, लेकिन डुप्लीकेसी के लिए वी लुकअप नहीं बना हुआ है। तो लुकअप वैल्यू का हमने सिलेक्ट किया और हम चलेंगे टेबल एरे पे। जो हमारा टेबल एरे है उस टेबल एरे पे चलेगा, और उसके बाद अभी देखिए जो हमने एम्प्लॉय कोड को सर्च किया है, तो हम सिलेक्शन भी एम्प्लॉय कोड ही करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट को सर्च करता है और जो वैल्यू ढूंढते हो वो स्टार्टिंग में सर्च करता है। तो इसने कॉलम ए में 15 जो था उस 15 को सर्च किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 15 का करीब 10 डेटा इसको मिला। अब 10 में से किसी एक सेल पर लुकअप कर सकता है, क्योंकि स्पेशी रूल के अकॉर्डिंग आप एक सेल में किसी एक सेल की वैल्यू ही लुकअप मैंने लिंक कर सकते हो। तो आपको बताना पड़ेगा कि 15 में से किसका ले, एम्प्लॉय कोड ले, नेम ले, हायर डेट ले, सैलरी ले, बोनस ले, क्या ले। तो मैंने बोला कि नेम ले। तो नेम क्या है, दूसरे कॉलम पे, पहला एंड दूसरा, तो दूसरे कॉलम को सिलेक्ट किया एंड कॉमा 0 किया। 0 इट मींस एग्जैक्ट मैच। 0 की जगह पे आप फॉल्स भी कर सकते हो, क्योंकि 0 इक्वल टू फॉल्स और फॉल्स इक्वल टू 0। तो रिजल्ट आपके सामने आया, तो एक नाम आ गया। अब हायर डेट चाहिए, तो अगेन मैं हायर डेट के लिए हायर डेट पे जाऊंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, सीट पे चले गए, हमने सीट को सिलेक्ट किया एंड कॉमा हो गया 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे है, इसमें कौन सा हमारा 3 होगा, तो 3 लिया, कॉमा 0 या फॉल्स, डेट आ गया। फिर सैलरी के लिए अगेन हम वी लुकअप लगाएंगे, इसको सिलेक्ट किया, टेबल एरे, हमने डेटा को सिलेक्ट किया एंड कॉमा 1, 2, 3, 4, 0। फिर अगेन वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, टेबल एरे पे गए, 6, 0। ठीक है, तो इसी तरह से कंटिन्यू लगाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है कि मैं देख रहा हूं कि फॉर्मूला हमारा एक ही है, लेकिन हर गोला में जो कॉलम नेम है वो उसको चेंज करना पड़ता है। तो कैसे करें, तो दूसरा तरीका है कि आप वी लुकअप लगाएं, इसको सिलेक्ट करें और टेबल एरिया पे जाएं एंड कॉमा, पहला, दूसरा, तीसरा जो है एक नंबर दे दीजिए, जैसे दूसरा डाल दिया, कॉमा 0। अब मुझे इसको आगे की तरफ ड्रैग करना है, तो आगे की तरफ ड्रैग करना है तो मैं इसको फ्रीज करूंगा यहां डॉलर लगा के, फिर
रख करूंगा और इसको आगे ड्रैग कर दूंगा। अब मुझे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट कॉलम नंबर चेंज करना है कि 3, 4, 5। फिर भी ए भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि हर बार इसको भी चेंज करना पड़ रहा है। क्या हर बार चेंज करना पड़ रहा है? तो यहां देखिए 2, 3, 4, 5 दिख रहा है आपको। अब इसके ऊपर जो है सीक्वेंस नंबर है, तो यहां पे मैं वी लुकअप लगाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और टेबल एरिया को सेलेक्ट किया और यहां पे मैं मैनुअल सेलेक्ट ना करके लिख के ऊपर जो सीक्वेंस नंबर में लिख रखा है उसको सेलेक्ट करूंगा। अब मैं इसको फ्रीज कर दूंगा ताकि मेरा रेफरेंस चेंज ना हो और फिर इसको आगे हम इजिली ड्रैग कर सकते। या फिर हमने आपको लास्ट क्लास में कॉलन का फॉर्मूला पढ़ाया था, तो कॉलन फॉर्मूला क्या करता है कि जिसको मैं सेलेक्ट करूंगा उसका कॉलन नंबर देता है। तो जो कॉलम नंबर क्या किया, इसका कॉलम का नंबर दिया। तो मैं क्या करूंगा कि वी लुकअप में इसका इस्तेमाल कर सकता हूं कि इक्वल वी लुकअप, हमने इसको सेलेक्ट किया और हम डेटा में चले गए और फिर हम डेटा में जाके डेटा को सेलेक्ट किया और यहां पे हम कॉलम फॉर्मूला इस्तेमाल करके इसका कॉलम नंबर पिक कर लिया, यानी कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। अब आगे ड्रैग करने से पहले मैं इसको फ्रीज करूंगा। और फिर आगे ड्रैग कर दीजिए, ये भी कारगर है लेकिन ये हर जगह नहीं है। अब मुझे क्या था कि मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, मुझसे एक सवाल किया गया कि आप एक फॉर्मूला लगाइए और एक फॉर्मूला लगा के ये जो जितने भी नेम मंथ की डेटा है उस डेटा का मैंने वीलुकअप लगा सकते, मैं एक ही वीलुकअप से सबका डेटा आना चाहिए। अभी हम अलग अलग वीलुकअप लगा रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, तो उसने बोला कि एक ही से आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो क्या करें उसके लिए मैंने क्या किया, पूरे को सिलेक्ट कर लिया और फिर मैंने वी लुकअप लगाया और मैंने डेटा पे सिलेक्ट किया कॉमा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जो सीक्वेंस नंबर है वो डाल देते हैं, जैसे कि 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 तक चलिए और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं या कॉमा 0 और मैं नॉर्मल एंटर नहीं मार रहा हूं, मैं मारूंगा कंट्रोल शिफ्ट
एंटर। अच्छा, हमने एक छोटी सी गलती की, हमने लुकअप वैल्यू को तो सिलेक्ट ही नहीं किया। यूजर 5 क्यों नहीं दिया आपने? कंट्रोल शिफ्ट एंटर। क्या बोल रहे? 5 क्यों नहीं लिया? फाइल किसमें 5 नंबर क्यों नहीं लिया? अच्छा, छूट गया सर। अच्छा, ले लिया, ले लिया। कंट्रोल शिफ्ट एंटर। हां जी, आगे एक ही बार में। अब ये मतलब होता क्या है? देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग लिखते हैं, हम एक साथ में इसको सिलेक्ट करके, मैंने कि यहाँ पे इक्वल और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में 1, 2, 3, 4, 5 लिख दूं और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दूं और कंट्रोल से एडिटर मारूंगा कि यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना सर। तो सेम मेथड हुआ कि हमें एक, हमने सिलेक्शन कर ली, एक सेल पे फॉर्मूला लगाया, मैंने हाथ लगाया वैल्यू का और इसको सिलेक्ट किया और मैंने डेटा में गए और फिर हमने जो जो कॉलम नंबर हमें चाहिए उस कॉलम नंबर को यहां पे हम कॉमा डाल दिया और फिर यहां पे जीरो कर दिया। तो जो फॉर्मूला लगाते हैं लगा दिया, फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एक ही बार में सब में लग गया ना। हाँ जैकी जी, हरीश जी, पुनीत जी, कोई डाउट इसमें? बिल्कुल इजी था, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, नहीं, डाउट नहीं है। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि हमारा जो कॉलम नेम है ये चेंज हो सकता है। क्या सर? जैसे यहाँ पे क्या है, कभी सैलरी होता है, कभी नेम होता है, कभी सैलरी होता है, कभी नेम होता है, राइट? तो प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर सैलरी नेम अलग अलग हुए तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं कहता हूं कि ऑटोमेटिक हो जाएगा, कि बार बार मुझे चेंज ना करना पड़े। क्योंकि अगर मैंने मान लीजिए वीलुकअप लगाया और वीलुकअप में हमने इसको सेलेक्ट करता हूं कॉमा और यहां शीट पे हम चले गए, सैलरी हमारे चौथे नंबर पे है, हमने फिलहाल यहाँ पे 4 दे दिया कॉमन जी। अब कल के रेट में सैलरी की जगह पे एक कुछ और हो गया, जैसे हो गया डिपार्टमेंट, अब मुझे डिपार्टमेंट हो गया तो फिर मुझे यहाँ जो है यहाँ जाके मुझे 7 ये करने पड़ेंगे, 7 करने पड़ेंगे, तो मैनुअल हर बार करना पड़ेगा ना मुझे। हम्म,
तो कुछ ऐसा करें जो मैनुअल करने की जरूरत ना पड़े। तो हमारे पास एक मैच का फॉर्मूला है, मैच हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों में काम करता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करता हूं डिपार्टमेंट को, और हम यहां इसकी जो हेडिंग है इस हेडिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड कॉमा जीरो आ गया। तो जो मैनुअल हमने साथ यहां लिखा है इस साथ को हम कनेक्ट कर देंगे इससे, इससे इसकी हेडिंग से या ऊपर से इससे मैच फॉर्मूले से। तो अगर कल के डेट में अगर एक सैलरी हुआ तो एंटर मार के अपने आप को चेंज कर देगा। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो वी लुकअप का पार्ट वन हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया, फिर हम वीलुकअप की अगली क्लास लेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। वीलुकअप की 4-5 क्लासेस चलेगी, चिंता मत कीजिए। हेलो, हम बोलिए। हेलो, अपना अकाउंट कर देना और आईएफएससी कोड वगैरह। आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाके डायरेक्ट पे कर सकते हैं। अच्छा, वहीं से कर दूं? हाँ ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो सर, मैंने आपको फाइल भेजी थी, उसमें 2 क्वेश्चन मैंने लाल किए थे, वो आपने बताया नहीं। हम डिस्कस करेंगे, बाकी सबको भी तो आने दीजिए, एक साथ सब करेंगे ना, कंबाइन करके। ठीक है, फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन बता दूं, फिर दूसरे का 2 क्वेश्चन आएगा, फिर तीसरे का 3 क्वेश्चन आएगा। थोड़ा करवाइए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक ठीक, ओके सर, बाय। मैं भेज देता हूँ फाइल आपको भी। ओके बाय, गुड नाइट जी सर। हाँ जाइए सर, गुड नाइट। सर जो कल जो लास्ट क्लास की वीडियो थी ना, इससे पहले जो 2 दिन पहले की, वो अपलोड कर दो सर। लास्ट क्लास पहले तो आपने क्लास नहीं ली थी ना मैंने फ्राइडे को, क्योंकि आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया था। उसमें आपने ट्रिक शेयर की थी, वो वाली वीडियो उसी के अंदर ही। अच्छा अच्छा, देखता हूँ सर उसी के अंदर। सर वो मिस मत करना, क्योंकि ऐसे करके ना एक पहले जो 15-20 मिनट की जो सिर्फ मैंने मैंने ली थी। ठीक है, देख ले, देख ले, देखो तो भेज देता। हाँ वो शेयर कर देना सर, जरूर जरूर जरूर।